dear student today we are going to learn the factor loadings so factor loadings is the correlation between the factors and the items if it is greater correlation so you can say that if it is 0.7 correlation so you can say that there is a high correlation between the factor and the item and if it is the 0.3 correlation so you can say that मॉडिफाइड मॉडरेट कोरिलेशन बिट्वीन द फैक्टर एंड द आइटम दिस इज दोडिंग सो फैक्टर लोडिंग्स में बेसिकली हमने क्या चेक करनी है कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स एंड द आइटम्स द फैक्टर अनालिसिस मॉडल अज्यूम दैट देयर आर के अंडरलाइन फैक्टर्स सो के अंडरलाइन फैक्टर मीन्स के हम टोटल हमारे पास जो वेरिएबल हैं उसके के फैक्टर्स बनाएंगे where k less than equals to p and p stand for the dimension or you can say that this is the variables which we denote by f1 f2 up to so on fk so humne kya k factors banaye total kitne variables the we have p variables and the k factor is less than the variables and that each observed variable is a linear function

सिंपल मैं वन फैक्टर सोल्यूशन का हूं तो वन फैक्टर क्या हो गया एक्स वन लैमडा सोल्यूशन हमारे पास हो गया यानी कि अब हमने जस्ट वन फैक्टर लिया एंड दिस लेमडा विच इज इक्वल टू द फैक्टर लोडिंग्स और फैक्टर लोडिंग्स क्या होगी देर इज द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड द फैक्टर दिस इज कॉल्ड लोडिंग सो दैट द Lambda ik is the loading of ith variable on the kth factor, and fi here is the fi is the common factor, and the variation between the i which is equals to the one two up to so on p. So we have the p variables. The variates ei describe the residual variation specific factors. So basically, our factor analysis means what? factor loading factors and ei so lambda stand for factor loadings f stand for common factor and ei stand for specific factors this is the model now the factor loadings is a statistical measure that indicates the strength and direction of the relationship between an observed variable बेसिकली अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फैक्टर लोडिंग्स क्या है बेसिकली फैक्टर लोडिंग इज द कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स एंड द वेरिएबल्स हम वेरिएबल्स कह दें उसको आइटम्स कह दें बेसिकली क्या है कोरिलेशन उसकी है इफ इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन तो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बता रही है ना इफ इट इज हाई कोरिलेशन तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स एंड द आइटम्स और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या हाई कोरिलेशन कहते हैं पॉइंट सेवन से अबव है तो हमारे पास स्ट्रॉग को रिलेशन है, है the, और मोर देन पॉइंट थ्री टू पॉइंट सेवन एड दैट इज कॉल्ड दी मॉडरेट कोरिलेशन एंड लेस देन पॉइंट थ्री इट मीन्स दी लो को रिलेशन और लो को रिलेशन और यू कैन से दैट दी उसमें स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ उसकी जो है वो लो होगी सो द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जर्व वेरिएबल ऑब्जर्व वेरिएबल बेसिकली हमारे पास कौन से वेरिएबल हैं जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं सच एज अ सर्वे क्वेश्चन अब बेसिकली सर्वे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व वेरिएबल हमारे पास कैसे हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम उसमें देख रहे हैं सैडनेस मूड डिसऑर्डर हो रहे हैं और फटीक हो रही है अब ये बेसिकली हमारे पास कौन से ऑब्जर्व वेरिएबल इनको हम ऑब्जर्व वेरिएबल कह रहे हैं एंड अ टेस्ट को एंड अ लेटेंट फैक्टर आइडेंटिफाई थ्रू फैक्टर अनालिसिस अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स को हमने चेक करना है ये कौन से कितने फैक्टर्स बनेंगे इन वेरिएबल्स के बेसिकली वी हैव टेन वेरिएबल्स और वो टेन वेरिएबल्स के हम कितने फैक्टर्स बना सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये सारा प्रोसीजर है उसके लिए हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग चाहिए है फैक्टर लोडिंग्स फैक्टर लोडिंग्स क्या होंगी उसकी कोरिलेश बताएंगी हमें इट माई हाउ मच ऑफ वेरिएशन इन दब्जर्व वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द फैक्टर कि कितनी वेरिएशन है ऑफ द ऑब्जर्व वेरिए फैक्टर इफ इट 68 परसेंट वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्व वेरिएबल सो वी कैन सेन्ट तो वेरिएशन हमारी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये फैक्टर्स और थर्टी टू वेरिएबल जो थर्टी परसेंट जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अदर फैक्टर्स तो बेसिकली हमारे पास क्या है द मयर हाउ मच ऑफ द वेरिएशन इन दी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द फैक्टर इन फैक्टर एनालिसिस ईच ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इज असाइंड एज द लोडिंग स्कोर फॉर ईच फैक्टर अब लोडिंग स्कोर लोडिंग स्कोर आपके पास क्या ये जो अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था ना लेमडा तो ये लेमडा हमारे पास है लोडिंग तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर लोडिंग फैक्टर तो लोडिंग स्कोर उसकी कोई एक नोमेरिकल वैल्यूज आ गई मे बी उसकी नोमेरिकल वैल्यू आ गई पॉइंट सिक्स तो देर इज अ स्ट्रॉग या स्ट्रॉन्ग मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर एंड द आइटम्स तो वो हमारे पास जो फैक्टर स्कोर है वो हमारे पास वो नोमरिक वैल्यू आ रही है द लोडिंग स्कोर रिप्रेजेंट द कोरिलेशन बिटवीन दी ऑब्जर्व वेरिएबल एंड द फैक्टर ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपके पास जो लोडिंग स्कोर है वो जो वैल्यू है वो बेसिकली बताएगी हमें कि कितनी कोरिलेशन है बिटवीन दी फैक्टर एंड देरिएबल दी हायर द लोडिंग स्कोर द स्ट्रोंगर द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड द फैक्टर तो बेसिकली हमारे पास रेंज क्या होती है को रिलेशन की रेंज आपको पता है माइनस वन टू वन होती है हायर वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है उस फैक्टर स्कोर की या उस लोडिंग की सो वी कैन से दैट दी स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर एंड द वेरिएबल सो हेयर इज द फैक्टर लोडिंग्स कैन रेंज फ्रॉम माइनस वन टू वन बिकॉज Q माइनस वन टू वन क्योंकि हम को रिलेशन कर रहे हैं तो कोरिलेशन की रेंज भी है माइनस वन टू वन अग स्कोर ऑफ वन वन इंडिकेट्स अ परफेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड द फैक्टर वन बहुत ही रेयर होता है कि वन हमारे पास आ जाए बट अगर हमारे पास मैक्सिमम वाली तो वन है वन अगर हमारे पास हम अटेन कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट रिलेशन बिटवीन दिटवीन द फैक्टर एंड देरिएबल वाइल अ स्कोर ऑफ़ ज़ीरो वैल्यू अगर जीरो आ गई क्योंकि माइनस वन टू वन है ना तो बिटवीन में ज़ीरो भी है अगर उसके बिटवीन हमारे पास जीरो वैल्यू आ गई यानी जीरो फैक्टर लोडिंग्स होगी फैक्टर स्कोर हमारे पास जीरो है इफ इट इज ज़ीरो देन वी कैन से दैट नो रिलेशन बिटवीन द फैक्टर एंड देरिएबल नेगेटिव लोडिंग स्कोर इंडिकेट एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन द फैक्टर एंड देरिएबल नेगेटिव हमारे पास हो गया इट मीन्स कि हमारे पास अब नेगेटिव रिलेशन आ रहा है इट मीन्स कि क्वेश्चन में हमने कहीं पे नॉट का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसके अक्सर अगर आप देखोगे मैं भी आगे भी आपको एक्सप्लेन करूँगी जब कोई हम क्वेश्चन एक सीधे सीधे हम पूछ रहे हैं ना और वहाँ पे अगर हमने नॉट एग्जिस्ट नॉट गुड मूड इज़ नॉट गुड और फटीक इज ऑलवेज हम इस तरीके से बात कर रहे हैं हम इस तरह की बात करते हैं इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन में ही कई ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो डज नॉट नॉट के इक्वल आ रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ये लोडिंग ये स्कोर बेसिकली नेगेटिव में नेगेटिव uh, चली जाती है एंड फाइनली द रिसर्च यूज फैक्टर लोडिंग टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द फैक्टर्स आइडेंटिफाई थ्रू फैक्टर एनालिसिस तो बेसिकली ये जो हमारे पास फैक्टर लोडिंग्स होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टर एनालिसिस का तो फैक्टर लोडिंग्स बेसिकली हमें ये बताएंगे कि आपने क्या इंटरप्रेट करना है क्या उसकी कोरिलेशन आ रही है बिटवीन द फैक्टर एंड वेरिएबल्स हाई लोडिंग स्कोर सजेस्ट सजेस दब्जर्व वेरिएबल इज अ गुड इंडिकेटर यानी उसकी वैल्यू है ऑब्जर्व जो आपने वेरिएबल सूट किया है या वेरिएबल आपने चूज किया है सिलेक्ट किया है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यानी कि उसकी हायर स्कोर है ऑब्जर्व हाई लोडिंग स्कोर सजेस्ट दैट द ऑब्जर्व वेरिएबल इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द अंडरलाइन फैक्टर यानी कि ये जो आपने फैक्टर्स बनाया है ये इस वेरिएबल इस फैक्टर में इन्वॉल्व हो गया ये इन फैक्टर में हमारे पास कन्वर्ट हो गया वाई लो लोडिंग स्कोर सजेस्ट दैट द वेरिएबल में नॉट बी गुड इंडिकेटर ऑफ द फैक्टर यानी कि वो लो उसका लोडिंग आ रही है इट मीन्स कि इसके कोई चांस नहीं है या अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें निगलेक्ट भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे फर्दर अनालिस पे अगर तो हम के फैक्टर सोल्यूशन कर रहे हैं वन फैक्टर टू फैक्टर सोल्यूशन कर रहे हैं वो तो फिर एक अलग बात है अगर के फैक्टर सोल्यूशन है तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स अगर हम उसमें से इग्नोर कर दें निकाल दें जिनके फैक्टर स्कोर जो हैं वो मिनिमम है तो उससे एज सच हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट हमें उसकी इंटरप्रिटेशन तो देखनी है कि इंटरप्रिटेशन क्या है लो लोडिंग स्कोर सजेस्ट दैट द वेरिएबल में नॉट बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ द फैक्टर दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर लोडिंग